सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज, आप देख रहे हैं दिव्रुश प्रॉपर्टी व्लॉग। गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक रेडी टू मूव विलास का ऑप्शन। जैसा कि आपकी हमेशा हैवी डिमांड रहती है विलास को लेकर, तो आज फिर लेके आ गए एक और नया ऑप्शन रेडी टू मूव विलास के लिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर हम इस लोकेशन की बात करें, सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट की लोकेशन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से कनेक्टिविटी की, 500 मीटर की दूरी पर आपको प्रपोज मेट्रो स्टेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि नॉलेज पार्क 5 का मेट्रो स्टेशन है। सराउंडिंग में अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्कूल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जिसमें कि नेम्ड स्कूल के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो है आपका श्रीराम ग्लोबल है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, BGS विजयंतम है, इंस्पायर पब्लिक स्कूल बिल्कुल प्रोजेक्ट के सामने ही है। अगर मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर रोड्स की, तो 28 से 30 फीट वाइड रोड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि मेन रोड है। और अगर मैं बात करूँ सामने की तरफ, अगर आप देख रहे होंगे, वो आपका दो गेट हैं बेसिकली। एक गेट आपका एंट्री होगी एक गेट से, दूसरे से एग्जिट होगा, और सामने की तरफ आपको एक छोटा सा मंदिर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर एक क्लब हाउस बनाकर दिया जाएगा, जिसमें आपको कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ भी मिलने वाली हैं, और साथ ही साथ आपको जिमनेजियम का भी ऑप्शन मिलने वाला है। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1450 स्क्वायर फीट का एक रेडी टू मूव विला, जिसके अंदर सारे इंक्लूजन्स मैं आपको क्लियर करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको यहां पर करा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं इसका प्राइस भी रिवील करूंगा और क्या डिस्काउंट मिलने वाले हैं, तो वो भी आपको बताने वाला हूं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहें, वीडियो एंड तक देखें, ऐसा ना हो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट हो जाए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं आगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए अब चलते हैं विला की तरफ, आपको दिखाता हूं एक एक डायमेंशन क्या क्या प्रोवाइड किया गया इस विला के अंदर। सो गाइज अभी हम खड़े हुए हैं विला के बिल्कुल सामने, मैं आपको एक एक डायमेंशन क्लियर करने वाला हूँ। पहले आप विला का फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं किस तरीके का दिया गया है, फिर मैं हम चलते हैं विला के अंदर। सो गाइस जैसे ही हम विला के अंदर एंटर करते हैं, ये हमारी पार्किंग आ जाती है। एक कार आप यहाँ पर आराम से पार्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर टैप फिटिंग करा कर दी जा रही है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़े करके धो भी सकते हैं। तो चलिए हम एंटर कर रहे हैं विला के अंदर। सो गाइस हम एंटर कर चुके हैं हमारे विला के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा स्पेशल ड्राॅइंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाता है। डायमेंशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जिस तरीके का आप एलिवेशन देख रहे हैं एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको कुछ इसी तरीके से मिलेगा यहाँ पर, और साथ ही साथ एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो प्रोवाइड की गई है। काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है ये विला। सो आइए गाइस मैं आपको लेके चलता हूँ आपके किचन के अंदर। ये हमारा किचन आ जाता है। जिस तरीके का किचन आप यहाँ पर देख रहे हैं एज इट इज़ मिलने वाला है। स्पेशियस कैबिनेट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, साथ ही साथ आपको इधर की साइड ये आपका वेट एरिया मिलने वाला है। स्पेस अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है आपको। नीचे के कैबिनेट्स इस तरीके से ही मिलने वाले हैं जैसा आप देख रहे हैं, और एयर वेंटिलेशन के लिए सफोकेशन ना हो जिससे, इसलिए यहाँ पर भी विंडो प्रोवाइड की गई है। चिमनी आप यहाँ पर लगवा सकते हैं, गीज़र पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको इन्वर्टर के लिए डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है। काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन किया गया है इस स्पेस का। सो गाइज यहाँ पर एक वॉशरूम भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर जैगवार और इक्विवेलेंट फिटिंग्स आपको यहाँ पर करा कर दी जाएंगी, जिस तरीके का फिटमेंट आप देख रहे हैं। आइए गाइज अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है जो आपको ग्राउंड फ्लोर पर बना कर दिया जा रहा है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। लाइट फैन एज इट इज़ आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इस बेडरूम के साथ में आपको एक शाफ्ट एरिया मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी सफोकेशन का कोई इशू नहीं आने वाला है आपको। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर जगह वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पर। सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको 3 फीट तक की वाइड स्टेयर्स यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। SS के ग्रिल यहाँ पर आपको लगा कर दिए जा रहे हैं। और चलिए हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं किस तरीके का स्पेस दिया गया है। सो
सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अमेजोन पर चल रही है वार्डरोब रिफ्रेश सेल और उसके अंदर जो मैंने परचेज किया इस बार स्मार्ट वॉच परचेज की है। लास्ट टाइम मैंने सर्कल डायल में परचेज की थी, अभी एक नया मॉडल आ चुका है मैक्सिमा के अंदर। मैंने जो परचेज किया है वो मैक्सिमा प्रो X6 परचेज किया है जो कि आपको स्क्वायर डायल में मिल जाता है। साथ ही साथ कुछ एडवांस फीचर इसमें जो पहले नहीं थे वो अब इन्होंने डेवलप किए हैं। ये आपको जो वॉच मिल जाती है कॉलिंग फीचर के साथ आपको वॉच मिल जाती है, 1.7 HD फुल HD डिस्प्ले के साथ आपको मिल जाती है। इसके अंदर आप नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। एक बार जल्दी से ओपन करके देख लेते हैं किस तरीके का इसका लुक आने वाला है। सो गाइज आप देख सकते हैं ये हमारी स्मार्ट वॉच है, मैक्स प्रो X6 इसका मॉडल है, मैक्सिमा ब्रांड की है। इसके साथ आपको ये वारंटी कार्ड मिल जाता है, इसे आप संभाल के रखिए। और साथ में आपको अगर आप देख रहे होंगे तो ये वॉच हमारी आ जाती है HD डायल के साथ, आपको ये वॉच मिल जाती है। बैंड बहुत ही कंफर्टेबल है, काफ़ी सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं बैंड के अंदर। इसके अंदर आपको कॉलिंग फीचर भी मिल रहा है, आप कॉल रिसीव भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट भी अपनी देख सकते हैं। इसके साथ में आपको ये मिल जाता है चार्जिंग केबल जिसकी मदद से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिल रहा है, इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं और क्या क्या एडवांस फीचर्स आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। सो गाइज अगर आप भी देख रहे हैं कुछ इसी तरीके का कलेक्शन तो जल्दी जाइए, अमेजोन पर सेल चल रही है, 80% तक के ऑफ का बेनिफिट उठाइए। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके कन्वीनियंस के लिए, तो डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करके प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। प्राइम मेंबर्स के लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट है वो भी आप उठा सकते हैं। सो आइए गाइज मैं आपको लेके आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये देखिए स्पेशियस लॉबी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पर आप अपना एक पूजा स्पेस बनवा सकते हैं, अपना मंदिर डेडिकेटेड स्पेस अपने डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पर सेट करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इधर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर आप एक कवर्ड का स्पेस आपको दिया गया है वो भी आप लगवा सकते हैं। सो गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक आपका एक बेडरूम इस साइड आपको मिल जाता है, एक बेडरूम इधर साइड आपको मिल जाता है। साथ ही साथ कॉमन कम अटैच वॉशरूम आपको मिलने वाला है इस जगह पर, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर सारी फिटिंग्स आपको करा कर दी जाएंगी जैसा आप अभी देख रहे हैं। सो आइए गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर। ये हमारा सेकंड बेडरूम है, इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से फॉल सीलिंग का डिजाइन आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको कॉमन कम अटैच वॉशरूम का एक एक्सिस इधर से भी है इस बेडरूम के साथ, और आपको मिल जाती है एक स्पेशियस कैबिनेट वाली वार्डरोब, तो ये काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन यहाँ पर दिया गया है। अगर आपके लिए वार्डरोब इनफ नहीं है तो आप इस साइड अपनी वार्डरोब बनवा सकते हैं अपने डिजाइनर से जैसे आपको ठीक लगता है। आइए गाइस मैं आपको लेके चलता हूँ आपके मास्टर बेडरूम के अंदर। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। अगर आप देख रहे होंगे इधर की साइड भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है, यहाँ पर भी आपको विंडो प्रोवाइड की गई है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कबर्ड इस तरीके से बनाकर दिए जा रहे हैं। ऊपर की साइड भी कैबिनेट्स काफ़ी स्पेशियस हैं, तो अगर आप चाहें तो इसे भी रख सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा भी बनवा सकते हैं, ये आपको बनवा कर दिए जा रहे हैं। लाइट फैन हर जगह आपको करा कर दी जाएगी। आइए अब इस तरीके से चलते हैं और अब देखते हैं यहाँ पर यूटिलिटी एरिया किस तरीके से दिया गया है। सो ये हमारा यूटिलिटी एरिया आ जाता है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर टैप फिटिंग करा कर दी जा रही है और टाइल्स स्पेशली इसलिए लगाई गई है जिससे सीलन ना आए यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है आपके वॉशिंग मशीन के लिए। सो ये हमारा बालकनी का स्पेस दिया गया है, SS के ग्रिल आपको लगा कर दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये ग्लास फिटिंग यहाँ पर करा कर दी जा रही है, थोड़ा सा मॉडर्नाइज लुक यहाँ पर दिया गया है इसके साथ में। अगर आप देखेंगे इस यूटिलिटी एरिया से आप इधर से भी एक्सेस ले सकते हैं और यहाँ पर भी आपको एक विंडो का एक्सेस दिया गया है, यहाँ पर भी वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ टेरेस का किस तरीके से डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। सो गाइज जैसे हम टेरेस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अगर आप देखेंगे इस साइड आपको स्पेस दिया गया है, आप इसे स्टोर रूम की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आइए गाइज अब हम पहुंच चुके हैं हमारे टेरेस के ऊपर, आपको दिखा देता हूं यहां पर वाटर प्रूफिंग करा कर दी जा रही है, टाइल्स यहां पर लगा कर दी जा रही है, सीपेज का कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो टेरेस देखिए, आप मेरे को फॉलो कीजिए, देखिए कितना बड़ा टेरेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो इस तरीके का चल रहा है कि आप एक गार्डन एरिया डेवलप कर सकते हैं अपने टेरेस के ऊपर, तो ये स्पेस आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसके लिए। सो गाइस जैसा कि आपने भी ये विला देख लिया है और काफ़ी अमेजिंग फिटिंग्स एंड ऑल सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्राइसेस की, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर
सिर्फ लास्ट 5 यूनिट्स आपको 1450 स्क्वायर फीट में अवेलेबल हैं, और एक बड़ा साइज़ है 1750 स्क्वायर फीट का, वो भी डुप्लेक्स विला का है, और उसमें भी आपका सिर्फ 5 यूनिट अवेलेबल हैं। टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो आपके 10 हैं, और यहाँ पर 80% तक आपको लोन अवेलेबल मिल जाता है। साथ ही साथ आपको ये रेडी टू मूव कंडीशन में मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। प्राइम लोकेशन पर है, गौर सिटी मॉल यहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर डेवलपमेंट अब आ चुकी है, पहले आनी थी अब आ चुकी है। सारी ही चीज़ें नियर बाई हैं, वाइड रोड्स हैं, सारी चीज़ें हैं। पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों का कंसर्न रहा था कि लोकेशन काफ़ी दूर लगी, आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे सामने देखिए, वहाँ पर जो टावर्स आप देख रहे हैं वो एक मूर्ति के सामने के टावर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ ये अप्रोच रोड है जिससे आप यहाँ पर आ सकते हैं। 500 मीटर की दूरी पर आपको 130 मीटर वाइड रोड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइसेस के बारे में। 1450 स्क्वायर फीट का जो साइज़ है उसके प्राइस की अगर हम बात करें, 41.5 लाख का वो विला है, और अगर हम बात करते हैं 1750 स्क्वायर फीट के विला की, वो आपको मिल जाता है यहाँ पर 49.7 लाख रुपीस के अंदर। और इसके अलावा अदर जो चार्जेस हैं वो 25,000 रुपये आपके क्लब के चार्जेस हैं, और 40,000 रुपये आपके समरसेबल के चार्जेस हैं, और करीबन 35,000 रुपये मीटर चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। रजिस्ट्री अलग से आपका रहेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, उसका विला के प्राइस से कोई लिंक नहीं है, वो आपको खुद पे करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री। गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके अपनी एक विजिट अरेंज कराएं यहाँ पर, और जल्दी से एक रेडी टू मूव विला के अंदर शिफ्ट हो जाएं। और मेरे हिसाब से तो आपको विजिट करना चाहिए, फैमिलीज़ अगर यहाँ पर काफ़ी सारी रह रही हैं तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं कैसा एक्सपीरियंस है उनका। सो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो काफ़ी दिनों बाद मेरे रेडी टू मूव विलास के ऊपर वीडियो आपकी डिमांड पर लेके आया हूँ। सो लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फैमिली और रिलेटिव में जरूर शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।